hello bacho let's read the given question the question says a thermally insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle as shown in the figure below on each side of the partition there is one mole of an ideal gas with specific heat at constant volume cv equal to 2r here r is a gas constant initially each side has volume v0 and temperature t0 the left side has an electric heater which in turned uh, which is turned on at very low power to transfer heat q to the gas on the left side as a result the partition moves slowly towards the right reducing the right side volume to v naught by 2 consequently the gas temperature on the left and the right side becomes tl and tr respectively ignore the temp change in temperature of the cylinder heater and the partition we need to find the value of q by rt naught option a given a 4 2 root 2 plus 1 option b 4 2 root 2 minus 1 option c 5 root 2 plus 1 option d 5 root 2 minus 1. so for this question your key concept in we will be using is the concept of first law of thermodynamics first law of thermodynamics ठीक है अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन फर्स्ट तो सबसे पहले हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं फिगर को ये हमें चेम्बर गिवन है राइट right? इसमें इस तरीके से यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है तो लेफ्ट में जो टेम्परेचर है वो टी नोट है और वी नॉट वॉल्यूम है अब क्या हुआ है बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड में जो गैस है इट हैज

Okay, the process followed will be adiabatic process and for adiabatic process we can write t v raised to gamma minus 1 will be a constant right so for right chamber we can write initially temperature was t naught Okay and uh, volume was v naught raised to gamma minus 1 Abhi gamma key value wenick so we know k gamma can be written as gamma minus 1 can be written as r upon cv right

ऑन द लेफ्ट साइड सो पी प्रेशर ऑन द राइट साइड भी होगा बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी स्लोली टेक एन प्लेस सो प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर सकते हैं तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर राइट साइड वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन सिंस आइडियल गैस इज बिन प्लेस तो हम लिख सकते हैं प्रेशर पी पी वी यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं इसको सो वी कैन राइड इनिशियली प्रेशर जो था वो था पी राइट एंड वॉल्यूम था V नोट दैट विल बी इक्वल्स टू आर टी नॉट ये इनिशियल कंडीशन थी राइट right चेंबर के लिए ही लिख रहे हैं अभी फिर प्रेशर तो पी ही रहा राइट लेट से अब मान लेते हैं कि सॉरी हम एक काम करते हैं कि इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर को मान लेते हैं कि वो पी नॉट था अब वो पी हो गया है राइट एंड वॉल्यूम हैज बिकम ना वी नॉट बाई टू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आर टी आर ठीक है अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स तो वन ही है तो इसीलिए हम यहाँ पे एन को इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें तो पी डिवाइडेड बाय पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय पी वी नॉट तो वी नॉट ये कैंसल हो जाएगा एंड वी कैन हैव टू पी नॉट एंड दैट विल इक्वल्स टू दैट विल इक्वल्स टू टी आर अपॉन टी नॉट राइट तो पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी दैट विल कम्स आउट टू बी इसको हम लिख देंगे uh, 2P0, TR को हम लिख सकते रूट टू तो दिस विल बी द वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी तो अब प्रेशर जो है राइट right चेंबर में क्या हो गया टू रूट टू पी नॉट वी हैव टू बी अगेन क्लियर के दोनों चेंबर में प्रेशर सेम है ठीक है यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है ये फाइनल कंडीशन में हुआ है जबकि गैस हैज कंप्रेस्ड द राइट चेम्बर्ड गैस ठीक है तो दिस विल बी द वैल्यू इसके बाद अगर हम बात करें ये दोनों ही चेंबर में राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी दोनों में ये, ये प्रेशर जो रहेगा टू रूट टू पिन रहेगा ठीक है अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन सिंस यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ने वर्क किया है राइट सो वी कैन राइट वर्क डन बाय द लेफ्ट चैम्बर विल बी इक्वल्स टू और वर्क डन हुआ किस पे राइट चेम्बर पे हुआ है ठीक है तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द राइट चेंबर

ऑन द लेफ्ट चेंबर मिलेगा क्योंकि हम क्या ढूंढने चाह रहे हैं वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग क्यू बाय आर टी नॉट तो क्यू बाय आर टी नॉट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लेफ्ट चेंबर बिकॉज हीट सप्लाई कहां हो रही है ऑन द लेफ्ट चेंबर तो हमें वर्क डन ऑन द लेफ्ट चेंबर पहले निकालना होगा ठीक है तो उसके लिए वी आर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन तो वन है तो आर अपॉन ये आ जाएगा थ्री बाय टू राइट तो ये टू बाई थ्री आर हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ टू बाई थ्री आर इनिशियल टेम्परेचर की बात करें ऑन द राइट साइड तो इनिशियल टेम्परेचर था हमारा टी नॉट फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया रूट टू टी नॉट क्लियर है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन दिक्सन बाय द राइट चेंबर लेफ्ट चेंटेड एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल ग्रामा हमारा थ्री बाई टू था तो इट विल बी वन बाई टू सो दिस विल बी द वैल्यू एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी कैन सी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी कैन है वैल्यूटिंग सो ये पार्ट हो गया हमारा वर्क डर हमने कैलकुलेट कर लिया दैसैस इन द लेफ्ट चेंबर राइट सो इसको हम एक्सप्रेशन वन बोल देते हैं अभी ठीक है अब हम कैलकुलेट कर देते हैं चेंज इन इंटरन एनर्जी सो चेंज इन इंटरन एनर्जी इन द लेफ्ट चेंटन एज एन सी वी डेल्टा टी राइट तो एन तो वन है सीवी को हम लिख सकते हैं In terms of uh, this value, it has been given as 2R only. Or change final TL minus of T naught, final minus initial कर दिया हमने. अब हमारे पास uh, we have we have to calculate the value of TL now. तो TL ke liye again we can make use of ideal gas equation. तो initially left gas chamber के लिए हम लिख रहे हैं, तो it was initial pressure P naught, initial pressure P naught माना था हमने. Actually right chamber में भी हमने P naught ही माना था उसको. देख सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. तो हम लेफ्ट में भी इनिशियल पी नॉट मान रहे पी नॉट वी नॉट विल बी इक्वल्स टू एन आर टी नॉट ठीक है ये तो इनिशियल की बात हो गई फाइनली अगर हम देखें तो फाइनल प्रेशर पी हो गया था यहाँ पे ठीक है पी एंड वॉल्यूम हैज बिकम वी नॉट प्लस वी नॉट बाई टू क्योंकि हाफ वॉल्यूम उस तरफ कम हो गया था तो यहाँ पे हाफ वॉल्यूम बढ़ गया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन आर टी एल राइट सो so, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी थ्री वी नॉट बाई टू एंड दैट दैटल टू एन आर टी एल अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वी कैन हैव पी थ्री पी वी बाई टू पी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू टी एल अपॉन टी नॉट ठीक है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पी राइट प्रेशर क्योंकि सेम होगा दोनों तरफ तो पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 root 2 तो वी कैन राइट डिवाइडेड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अपॉन टी नॉट तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू टू से टू कैंसिल हो रहा है पी नॉट से पी नॉट कैंसल तो टी एल की वैल्यू क्या आ रही है सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट गैस

चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हम सीधा क्या कर सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ से वी कैन राइट जो Q है नथिंग बट डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है टू टी नॉट आर रूट थ्री रूट टू माइनस वर्कडन क्या मिला था हमें वर्कडन था हमारे पास टू आर टी नॉट और यहाँ पे था रूट टू माइनस वन क्लियर तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ क्यू बाय आर टी नॉट सो यहाँ से आर टी नॉट को तो हमने कॉमन निकाल लिया अब यहाँ पे बचेगा सिक्स रूट टू माइनस ऑफ टू ठीक है प्लस यहाँ बचेगा टू रूट टू टू रूट टू एंड इट विल बी माइनस ऑफ टू टू रूट टू माइनस ऑफ टू ठीक है तो इसको हम देख सकते हैं ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एट रूट टू माइनस ऑफ फोर एंड यहां से अगर हम फोर कॉमन निकालने तो इट विल फोर रूट टू सॉरी टू रूट टू माइनस वन सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन मैच हो रहा है फोर टू रूट टू माइनस ऑफ वन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेस्ट